Let's do question number 14th of exercise 5C, that is arithmetic progression. Question number 14th is, find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integers बताने हैं, उनका sum निकालना है जो कि divisible है 6 से. तो हमारी AP बना लेते हैं. AP क्या होगी? First 40 कह रहा है, तो first number 6 ही होगा जो divisible होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, and so on. First 40nth term हमारी पता चल गई है कि हमें n कितना है, 40 terms है, तो हमें sum निकालना है. तो हमें यहाँ पे nth term निकालने की ज़रूरत नहीं है, directly हम sum निकाल सकते हैं. कैसे? देखिए, nth term का sum का formula होता था n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अब यहाँ पे a है हमारा 6, क्योंकि divisible by 6 था तो 6 है first number, और d कितना है, 12 में से 6 गया, that is 6. तो लिख दीजिए, n हमें पता है first 40 terms कह रहा है, तो 40 हमारा क्या हो गया, 40 terms, that means n. तो 40 divided by 2 into 2 into 6, a की value 6, n की value 40 minus 1 into d की value 6. तो अब इसे solve कर लेते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 0, तो ये आ गया 20 into 2 6 are 12 plus, देखिए 40 में से 1 गया is 39, 39 6 are, देख लेते हैं कितना आता है, 39 into 6 is 6, 9s are 54, 5 carry, 6 3s are 18, 19, 20, 21, 22 and 23, तो ये आ गया 234, तो ये कितना आ गया, 20 into 234 में 12 ऐड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 246. तो ये कितना आ गया, 0 as it is, 2 6 are 12 carry 1, 2 4 is 8 and 9, 2 2 is 4, that means 4920 is the answer. Let's do question number 15th of exercise 5C, that is arithmetic progression. Question number 15th is, find the sum of the first 15 multiples of 8. पहले 15 मल्टीपल किसके, लेकिन 8 के मल्टीपल्स का सम निकालना है, 15 मल्टीपल्स का. तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा फर्स्ट मल्टीपल 8 का क्या होगा, ऑब्वियसली 8 ही होगा. फिर सेकंड मल्टीपल क्या होगा, 16 होगा. थर्ड मल्टीपल क्या होगा, दैट इज 24 एंड सो ऑन. अब वो कह रहा है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालें, तो हमें n पता चल गया 15 है. a क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर, दैट इज 8, और d क्या होता है हमारा, दैट इज सेकंड टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना, तो दैट मींस 16 माइनस 8, दैट इज 8. तो हमारा सम क्या होगा, सम का फॉर्मूला होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो n कितना है हमारा, 15 divided by 2 into 2, a है हमारा 8 plus 15 minus 1, n हमारा 15 था, सब जगह 15 ही रहेगा, और d है हमारा 8, तो ये कितना आ गया, 15 divided by 2, 2 8 is 16 plus 15 में से 1 गया is 14, और 14 8 is 14 into 8, तो ये आ गया 15 upon 2 into 16 plus 14 8 is 112. तो ये आ गया 15 upon 2 into 16, add कर दिया 112 में, तो ये आ गया 128. तो 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 4 is 8. तो 15 into 64. 64 into 15 कितना आया? 5 4s are 20, 2 carry, 5 6 are 30, 32, 4 and 6, तो ये कितना आ गया, 0 6 and 9, 960 is the answer. हमें पता चल गया first 15 multiples of 8 का sum हमारा कितना है, 960 is the answer.